वेलकम टू ऑल, और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है गाइस। तो अभी हम लोग पेन थेरेपी दे रहे हैं। मेरे एक पेशेंट हैं जो कि ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया के पेशेंट हैं, और इनका जो है अभी अंडर ट्रीटमेंट है ये काफ़ी सालों से। कितने सालों से आप इलाज? 2005 से हमारा है। 2005 से ये लगातार जो है न्यूरालजिक पेन को फील करते हैं, सफ़र कर रहे हैं उससे, और रैंडमली जो है पेन स्टार्ट होता है, और इनका लेफ्ट साइड जो है अफेक्टेड है पेशेंट का, और इनकी हिस्ट्री रह चुकी है। हम तो बोर्ड निकला लेकिन 2007 में तो कुछ इनका हिस्ट्री रहा है एक्सट्रैक्शन का, लेकिन जो हिस्ट्री है वो काफ़ी पुराना है, और पेन जो परसिस्ट कर रहा है लगभग 2005 से, तो लगातार ये जो है पेन में सफ़र कर रहे हैं, और अंडर ऑब्जर्वेशन भी है और अंडर ट्रीटमेंट भी है। कार्बामेजिपिन ये अभी ले रहे हैं, कुछ अलग से भी इनको मेडिसिन वगैरह चल रही हैं, लेकिन इस ट्रीटमेंट में आपको ये ध्यान रखना है कि अपने मन से लगातार मेडिसिन का ना डोज बढ़ाना है ना डोज एडजस्ट करना है, आपको अंडर डॉक्टर की सलाह में ही रहना है। तो अभी जो है ये एक एडवांस थेरेपी है, पेन थेरेपी फॉर ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया, और आप कह सकते हैं कि TMJ रीजन में भी अगर किसी को पेन है तो इससे काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं। तो मैं थोड़ा सा इनको अभी 300 सेकेंड्स के लिए अभी मैं दे रही हूँ, और फिर मैं जो अगला सेशन होगा कुछ देर बाद का। और ये जो मैं थेरेपी दे रही हूँ ये सेकेंड टाइम मैं इनको दे रही हूँ, पिछले 2 महीने पहले ये आए थे, उस टाइम पे भी मैंने दिया था, और अभी कोई भी जो है एक्टिव जो है इनका पेन, आपका जो सेशन था पेन का जैसे कुछ दिनों पे इंटरवल पे स्टार्ट हो रहा था, तो अभी कुछ कमी आया है? हाँ, कमी अभी आया है कुछ। इनका जो है ड्रग को भी मैंने मॉडिफाई किया था, क्योंकि लगातार ये एक ही दवा ले रहे थे, तो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन के बाद और पेन थेरेपी दे के मैंने इन्हें भेजा था। और ये दूर के पेशेंट है मेरे, आप जगह बताइएगा। गुवाहाटी का है, असम गुवाहाटी का। जी, ये गुवाहाटी से बिलोंग करते हैं। तो अभी मैं फिर से इनका कंटिन्यू कर रही हूँ, सेकेंड फेज कर रही हूँ। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, तीनों डिवीज़न प्रभावित होते हैं, तो जो आपका रेंज है ये पूरा TMJ रीजन से लेकर के आपका लोअर जॉ तक आता है, प्लस कई बार ये पेन जो है आपके आईज तक में भी जा सकता है, रेफर्ड पेन, आपको हेडेक हो सकता है इसमें बहुत तेज़, और करंट लाइक शॉक लाइक पेन होता है, जैसे कि किसी ने आपको तेज छुरा मार दिया हो, इस तरह का स्टैबिंग पेन होता है। तो ये जो पेन है ये काफ़ी अनबियरेबल होता है, पेशेंट इसको टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, और इस फेज को वो बार बार झेलना नहीं चाहते, इसके कारण से आपको लंबे समय तक इलाज में रहना पड़ता है, और आपको इसमें पेशेंस को लूज नहीं करना है। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे पेशेंट का 1 सेशन लिया है पेन थेरेपी के लिए, और ये जो सेशन होता है इसमें आपको आई को प्रोटेक्शन देना होता है, तो कभी भी आप इसको हीट एंड ट्रायल नहीं करेंगे कि मैं मशीन खरीद लेता हूँ खुद से करता हूँ, ऐसा आपको नहीं करना है। साथ में आपको जो है डॉक्टरी सलाह में रहना है, सिर्फ पेन थेरेपी से काम नहीं चलता है, अंडर मेडिकेशन आपको रहना पड़ेगा, वो भी ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल है।
तो उम्मीद करती हूँ कि दी गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू सो मच। और आपका भी अंसारी जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने यहाँ पे अपना मुझे रिव्यू देने दिया पेशेंट को। मैं मुकुट आमे मैं गुवाहाटीपर आई मूल डॉक्टर जी दुमार आगत दी लेजर थेरेपी मैं बहुत खी आराम पासी दुमाह मैं नेक्स्ट आको आई थेरेपी लगने आज थेरेपी मैं ललो अपना पारे व्यवस्था कर क्राइसिमिनल बेमार आज मैं शुनीस गुवाहाटी बहुत आसने अपने चेस्ा कर पटना आने खुशबू बैदक मेडम डॉक्टर ठीक है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।